पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और मौशी सूरत हाल से दो चार है। देश संकट में है। मुल्क का मौशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। आंटी जी कितनी देर से खड़े हो इथे? मैं 8 बजे दी आई हूं। 8 बजे के खड़े हैं? हां जी 8 बजे दी आई हूं। क्या कहते हैं ये लोग? कहंदे आटा नहीं हैगा तो मैं दो गुठियां पे मैं चल एक ही मेनू दे दवा। मैं इड्डी दूर तुर के आई, रात वे ही चौल पकाए, सवेर दे उदा ही आए बच्चे घर वा। अच्छा बच्चे भूखे हैं? 3 दिन साडे लंघदे आटे दे नाल, 7-8 जी असीं खाण वाले हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान आज उनके पास खाने के लिए आटा तक भी नहीं है, पर कुछ पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो इंडिया से सस्ते दामों में आटा और गेहूँ ट्रांसपोर्ट करें। बट कुछ जाहिल पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके दुश्मन देश इंडिया से वो ट्रेड ना करें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे बीच में आ गया मैं क्या। तो दोस्तों हमने जैसे कि इस पूरी वीडियो में देखा कि कुछ पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं हैं कि इंडिया से हम दोबारा करूँ। कंगाल तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन अब कंगालों का निकल गया दिवालियापन। अभी आ गए रोड पे, क्योंकि अब इनको पहले तो प्याज टमाटर के लाले पड़े हुए थे, अब इनको आटे के लाले पड़ गए, जो कि एक आम जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। सही बात है। अब आटा ही नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा तो बंदा तो वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन वैसा भी ये पाकिस्तानी है, ये नहीं सुधरने वाले है। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। आप पाकिस्तान की महंगाई का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं, पाकिस्तान में जो सब्सिडी वाला आटा ना जो गवर्नमेंट देती है गरीब लोगों के लिए, वो भी 50 रुपए किलो है। एक दिन में सिर्फ 50 कट्टे देती है पूरे वार्ड के लिए। अब आप सोचो क्या हालत है, लोग मारा मारी कर रहे हैं, महिलाएं सारे काम छोड़ के सुबह 6 बजे आटे की लाइन में लग जाती है। ये तो दशा हो गई है इनकी। 6 बजे की 5 बजे की जो औरतें यहाँ पे आई भी होती हैं, सिर्फ जलील करने के लिए हुकूमत हमें रह गई है सारी जगह। अब इनके साथ कितना भी बुरा बीत रहा हो, लेकिन ये अपनी जहालत कभी नहीं छोड़ेंगे। ये है सच्चे पाकिस्तान की सच्ची हवा। तो फिर देरी किस बात की, चलते पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदुम, हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या वजुआत है सारा? मैं जरिए मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो कमी है वो पूरी नहीं कर पा रहे, दूसरी मुल्कों से मंगवाने की सोच रहे। क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा? इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए, कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए, कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है, ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी, ईरान से मिल सकती है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था जाहिल मिला है, और जाहिल जहालत ना टपका है, कैसे हो सकता भाई? हो ही नहीं सकता। ईरान के साथ भी तलुकात सही? वो अलग बात है, तलुकात सही ना होना अलग बात है, तलुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड कर। इंडिया के साथ भी तो किए जा सकते हैं तलुकात सही? वो सही किए जा सकते हैं, लेकिन वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे, हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाएं। ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। वो कैसे समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है। हिंदुओं तुम बहुत जालिम इंसान हो, इन मासूम आतंकवादी पाकिस्तानियों के तुम हाथ काट देते हो, गलत करते हो, मत किया करो, ये देखो कितना दर्द हो रहा है उसको। अबे साले, ये हम पढ़े लिखे आदमी, हम न्यूज देखते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, अपनी बुक्स पढ़ते हैं? ठीक है। कौन सी बुक? कोई भी बुक्स, हिस्ट्री की। 5 साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है। ठीक है, समझ गया। हजारों बुक्स हैं। कौन सी ऐसी किताब? गंदम मैंने खुद लगाई हुई। कौन सी, कहाँ पर ऐसे हुआ कि जब आपने हाथ बढ़ाया तो इन दोनों का हाथ काट दिए होंगे? अब मिसाल दी आपने, तो कब ऐसा? वाजपेयी के साथ जब बढ़ाया था, जब उनको बुलाया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही हमले करवाए। कौन से? ये न्यू दिल्ली में जो हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। इस बात पे तो इस भाई को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। बंदे ने 5 साल लाइब्रेरी में जॉब किए, लेकिन इसका नॉलेज और फैक्ट के साथ में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और नहीं तो क्या? फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी हमें गाली क्यों देते हैं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बस लेके गए थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा था हिंदुस्तान के, और जो तुम्हारे पाले हुए आतंकवादी है इन्होंने ही दिल्ली में अटैक किया था, समझ में आई? खुद की पार्लियामेंट पे अटैक करवा लिया मेरे भाई। इतना नीचा आदमी कोई नहीं गिर सकता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़ के, क्योंकि ऐसी हरकतें तुम्हारे यही होती है, तो तुम्हारा ऐसा सोचना जायज बनता है। ये पाकिस्तान की है, हालांकि वो खुद उन्होंने खुद करवाए थे। अब तो सच बोल दे के। तो ये इन वजूहात से कह रहे हैं कि जब हम हाथ बढ़ाते तो? हाँ जी, वरना ट्रेड करेंगे तो उनके साथ बेनिफिट तो नजर आता है, लेकिन ये नहीं है कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खत्म कर लें। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी पाकिस्तानी होगी? आर यू कॉमेडी मी? अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खत्म कर लें। आर यू कॉमेडी मी? मतलब
मतलब कि सर अब देखे ना, अब आटा मिल नहीं रहा, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी जहाँ से हमें सस्ता में आटा मिलेगा, हो सकता है कि इंडिया से भी करें, इंडिया से मंगा। सर जब हम इमरजेंसी ट्रेड करवा कर जब हम टमाटर लेते हैं उनसे, तब सर थोड़ा सा हमें तब भी सोच लेना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए। ये गंदम है ना जो मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम तकरीबन 10 एकड़ मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम नहीं खत्म होती कसूर में, कसूर के रहने वाले। और ये गंदम किसान बेच देता है, अभी रेट इन्होंने 3000 निकाला है, किसान 3000 में बेच देगा। जो स्टॉक करने वाला माफिया है ना, वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये कितने केजी देने की बजाय ना, इनको स्टॉक जो स्टॉक करते हैं इनको पकड़े। आप कितने का केजी देते हैं गंदम? लास्ट टाइम हमने दी थी मेरे 2200 रुपए में केजी, नहीं मन केजी कितने की? केजी आप उसके अंदाजा लगा ले, कोई 100 के करीब भी नहीं पड़ती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, गंदम बोलते किसको है, जो गेहूं होती है, कनक होती है, जिसको अनाज भी कहते हैं हम लोग, तो उसको ये लोग गंदम बोलते हैं। ये जोन से इसको मतलब आटे में कन्वर्ट करवाया जाए तो कितने के बनेगी? आटे में आप कन्वर्ट करवाएंगे ना, 2200 की अगर वो किसान बेचता है, उसमें जो 400-500 उसकी पिसवाई वगैरह होती है, 2500-2600 रुपए की 40 किलो पड़ती है। बाजारी कितने का मिल रहा है? बाजारी तो हमने जरूरत ही हमने कभी बाजार से लिया ही नहीं, क्योंकि हमारी गंदम अपनी घर में पड़ी हुई है। तो आप मुझे देंगे वहाँ से अगर मैं लेने आऊंगा? आटा मिल नहीं रहा भाई, क्या करें? दे देंगे। कितनी देंगे? अभी तो थोड़ी होगी, अभी अगर आप कहेंगे ना मुझे दो तीन माह तक, फिर आप जितनी मर्जी 2 मन हाँ दे देंगे, 3 मन दे देंगे, 2 दे देंगे। ये रिपोर्टर भाई तो अपने आटे का इंतजाम करने में लग गया है। क्या? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? आईटी की फील्ड से। बहुत जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर, आटा तकरीबन 150 रुपए पर केजी है, अगर बात करें तो 2200-2300 रुपए का तोड़ा मिलता हमें, 20 किलो का 10 किलो का बहुत महंगा हो चुका है, तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट की जाए, क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिसे इम्पोर्ट कर सके? पहली तो चीज़ ये है कि इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि इंडिया से आटा और गेहूं ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो भूखे मरने के लिए तैयार है, वो भूखे मरने के लिए तैयार है, बट इंडिया से आटा और गेहूं ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। पर उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो यही सोच रखते हैं, इसी कारण आज पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे जा रहा है, यही कारण है कि पाकिस्तान को हम जाहिल भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।